मिल गई 4000 घंटे एक महीने में पूरे करने की ट्रिक मिल गई। दोस्तों ये वीडियो उन सभी के लिए जिनका 4000 घंटे का वीडियो और वायरल नहीं हो पा रहा है, 4000 घंटे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोगों के चैनल कैसे मोनेटाइज हो रहे हैं, एक के बाद एक हम अपना चैनल मोनेटाइज करा दे रहे हैं। मेरे दो दो चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं और आपके भी होंगे, जिनके हो रहे हैं वो भी देखें, जिनके नहीं हुए हैं वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं दोस्तों जो 4000 घंटे से भी रिलेटेड है, और 4000 घंटे के बाद और अगर आपके व्यू भी नहीं आ रहे हैं, भले ही मोनेटाइज है, उनके लिए भी ज़रूरी है। तो दोस्तों लोग बात क्या करते हैं, सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन वीडियो नहीं देखते हैं। आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, 4000 घंटे का वीडियो आप अगर 4000 घंटे एक वीडियो तो बना नहीं सकते, 4000 घंटे कैसे पूरे करें कि एक महीने में ही हमारे पूरे हो जाए, बहुत टाइम पूरा हो जाए। तो सबसे पहले लॉन्ग वीडियो से ही बताऊँगा, लाइव मैप की अभी मैं बात नहीं करने वाला, तो जो स्किप करने की सोच रहे हैं वो बिल्कुल मत सोचें, मैं बहुत सही जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर तो जैसे तैसे पूरे हो जाते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन 4000 घंटे पूरे करने में 1 साल 2 साल 3 साल तक लग रहा है, पसीना आ रहा है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट कर सकते हो, सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है ना। तो देखो, तो आपको क्या करना है, आप कुछ चीज़ें आपको पता होंगी कुछ नहीं पता होंगी, लेकिन ये 3-4 चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो एक महीने में आराम से 4000 घंटे पूरे कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वीडियो बाद में बना देना, वीडियो बाद में बनाओ, सबसे पहले आपको थंबनेल पे काम करो। आप पहले टॉपिक डिसाइड किया कि क्या टॉपिक पे हम वीडियो बनाए, तो आपको थंबनेल पे ध्यान देना, अब मैं बनाऊंगा थंबनेल। जब उसको थंबनेल पे आप कम से कम आधा घंटा पौन घंटा एक घंटा भी लग जाए दोस्तों, वीडियो बनाने से ज़्यादा टाइम अगर थंबनेल पे लग जाए तो दो, क्योंकि थंबनेल ही एक ऐसी चीज़ है जो ब्राउज फीचर में जाता है, लोगों के सामने जाता है। जब हम किसी का वीडियो देखते हैं ब्राउज फीचर में, जब हमारा चैनल को हमारे वीडियो को यूट्यूब भेजता है तो हम स्क्रॉल करते हैं तो सबसे पहले थंबनेल आता है जब हम उस पर घुसते हैं, तो उस पर ही आप ज़्यादा ध्यान दो, चाहे उसमें आपको आधा घंटा लगे एक घंटा लगे, वीडियो बाद में बना लेना। थंबनेल जैसे ही अच्छा बनाओगे, और हमें बेकार नहीं बनाना, मतलब बेकार से मतलब गलत भी नहीं बनाना, YouTube एक दिन का काम नहीं है कि हमने गलत सलग उस पर क्लिक बैट करके, सब लोग कहते हैं क्लिक बैट करके हमने उस पर उल्टे सीधे चीज़ें डाल दी कि लोगों को झूठ बोला दिया और अंदर वीडियो में कुछ नहीं है, तो वो भी नहीं करना। वीडियो में जो बताया है उसी से रिलेटेड थंबनेल बनाना, लेकिन थंबनेल इतना अच्छा होना चाहिए कि उस पर लोग देखें। सबसे पहली बात ये आपको करना है। दूसरा काम आपको करना है, तो अब आपने थंबनेल करके घुसा लिया, आदमी को घुस गए, व्यू आ रहे हैं, और अब आपको वीडियो पे लोग कम से कम आपका अगर बहुत टाइम पूरा नहीं हो रहा तो आप वीडियो कितने मिनट का बना रहे हो, सबसे पहले कमेंट करिए कितने मिनट का आप वीडियो बना रहे हो। आप वीडियो छोटा ही बना रहे हो, 4-5 मिनट का सही है कि नहीं है, आप वीडियो कम से कम 10 मिनट का बनाइए। अब आप सोचोगे 10 मिनट का वीडियो हम बना देंगे तो हम पे देखेगा कौन, कोई देखता ही नहीं है, देखेंगे अगर वीडियो में दम होगी, वीडियो अच्छा होगा तो देखेंगे। और 10 मिनट का वीडियो लोग बाग एक एक घंटे का वीडियो देख लेते हैं, तो आपका 10 मिनट का वीडियो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम खुद ही देखते हैं एक एक घंटे का, क्यों देखते हैं, जब हमको वो अच्छा लगता है हम देखते हैं। आप भी ऐसा बनाइए, दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये रखिएगा कि आपको जैसे आपने 10 मिनट का वीडियो बनाया है तो कम से कम उस पर 1-2 मिनट तो आदमी ऐसा मंत्रमुग्ध हो जाए जो भी देख रहा है कि वो बिल्कुल हिलेना। अब वो 1-2 मिनट उसको बिल्कुल इतना अच्छा आपने बता दिया को, अब वो आपका 10 मिनट का वीडियो 5-6 मिनट तो देखेगा, क्योंकि सबसे पहले क्लिक करने के बाद आदमी मुश्किल से 10 सेकंड सुनता है, समझ में नहीं आती, हटा देता है। लेकिन वही अगर आप 1 मिनट या 40-50 सेकंड बहुत अच्छे से बता देंगे तो उसको बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएगा, तो वो कम से कम 5-7 मिनट हो क्यों तो 10 मिनट वीडियो देख जाएगा। इससे आपका ऑडियो रिटेंशन बढ़ जाएगा, तो इससे आपका चैनल उस वीडियो पे जो ऑडियो रिटेंशन अच्छा गया, एक तो CTR अच्छा आया आदमी ने क्लिक किया, दूसरी बात थंबनेल अच्छा था, तो दूसरी बात आपने 10 मिनट का वीडियो बनाया, तीसरी बात आपने उसको टिका दिया। ये 3 चीज़ें दोस्तों बहुत फैक्टर करती हैं चैनल को 4000 घंटे पूरे कराने में। ये चीज़ अगर आप करोगे तो लोग टिकेंगे सबसे पहले। अब आपको एक चीज़ और करना है, मैंने कहा था ना पूरी चीज़ें आजमाना, एक चीज़ से काम नहीं करेगा कि एक चीज़ बना दी गए होगा काम। अब आपको टाइटल अच्छा डालना है। टाइटल कैसा होना चाहिए,
टाइटल दोस्तों, जो टाइटल ऐसा होना चाहिए जो सर्च में चल रहा है। आपको थोड़ा सा मेहनत ये करना पड़ेगी, यूट्यूब पर अभी सर्च में क्या कर रहा है, आपकी टैग कैटेगरी से रिलेटेड लोगों के जो ज़्यादा व्यू आ रहे हैं, आपका किसका चैनल है, टैग का है, टैग बड़े यूट्यूबर के देखो क्या टाइटल डाल रहा है, और आपका किचन का है, किचन के बड़े यूट्यूबर का देखो क्या टाइटल डाल रहा है। तो वो उससे मिलता जुलता टाइटल आपको टाइटल में डालना है, और बोई का बोई टाइटल डिस्क्रिप्शन में डालना है, और डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे टैग्स डालना है जो वायरल हो रहा है। जैसे मैं उदाहरण बनाऊँ, जैसे व्यू कैसे बढ़ाएं, आपका टॉपिक है, टाइटल में डाला, डिस्क्रिप्शन में डाला, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल लिखना पड़ेगी उस व्यू कैसे बढ़ाएं। अकेला सर्च नहीं करेगा आदमी, व्यू कैसे बढ़ाएं 2024 में, व्यू कैसे बढ़ाएं, ज़्यादा व्यू कैसे लाएं, यूट्यूब पर व्यू कैसे बढ़ाएं, मतलब उसी से रिलेटेड उसके इर्द गिर्द आपको घूमना है, टाइटल को घुमा फिरा के कम से कम जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आपको कीवर्ड्स बहुत कम से कम 15 से 20 कीवर्ड्स डाल देना है अपने डिस्क्रिप्शन में, और टैग में भी डाल देना है कॉमा लगा लगा के। ये चीज़ आप करोगे बिल्कुल एक एक वर्ड मेरी ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, कॉमा लगाना है टैग्स में। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आपके व्यू आएंगे 100% आएंगे, गारंटी के साथ आएंगे। लेकिन हम क्या होता है, आधी अधूरी जानकारी लेते हैं किसी भी यूट्यूबर की, पूरा कोई एक बार में भी नहीं बताता, और ना ही वो कोई बताना नहीं चाहता किसी में नॉलेज नहीं। मैं आप सबको सही जानकारी सिर्फ इसलिए बताता हूँ, देखिए मैं यूट्यूब पर भी फ्री में सपोर्ट कर देता हूँ, मैं पैसे भी नहीं लेता, चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी मैं सबकी हेल्प करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, कल भी करूँगा। बस मैं मुझे आप मोटिवेट करते रहिए कि लाइक कर दीजिए वीडियो को, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वीडियो को लाइक करिए, उन तक ज़रूर पहुँचाइए जो ये वीडियो मतलब जो चीज़ें कर नहीं पा रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। आपका किसी भी कैटेगरी का चैनल है, आपके 4000 घंटे आप बहुत आसानी से पूरे कर सकते हो, और हमको किसी के पास जाना नहीं है कि मेरा भाई सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, आपके चाहे रिश्तेदार हों, आपके चाहे घर वाले भी हों, आपका बेटा, आपका भाई, आपका घर वाले भी हो ना, तो भी उनसे जेमत कह देना कि मेरा सब्सक्राइब। अब आप क्यों क्या घर वालों से क्यों, भाई साहब घर वाले भी आपका वीडियो, या कई लोग होते हैं घर, उन्हें नहीं है इंटरेस्ट, वो नहीं देखेंगे, जिसको इंटरेस्ट है वो अपने आप आपके वीडियो पर क्लिक करेगा, और जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं करेगा। इस बात को आप घर में, जैसे आपका इंटरेस्ट है न्यूज़ सुनने में, आपका बच्चे का है कार्टून सुनने में, तो क्या वो न्यूज़ सुन लेता है, नहीं सुनता, वो आपको भी नहीं सुनने देता। इसलिए आप चाहे घर वाले हों, कोई हो, किसी से मत कहिएगा, और वीडियो फुल वॉच करिए, ये वीडियो भी फुल वॉच कीजिए, आपको मैं सपोर्ट भी करूँगा सभी, और इस वजह से आपके चैनल चलेंगे, क्योंकि सपोर्ट मोनिटर सपोर्ट के लिए आया है, और जैसी भी चीज़ें, जैसी भी हेल्प चाहिए मैं हेल्प भी करता हूँ, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हेल्प करता हूँ, बस ये जो चीज़ें बताई हैं उनको फॉलो करके अच्छे से अपने चैनल पे अप्लाई करिए। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, 4000 घंटे पूरे करने में कितना, 240,000 मिनट, 40,000 मिनट होते हैं, 240,000 मिनट, जो कि अगर हम वीडियो पे एक भी किसी वीडियो पे 10 मिनट का है 500 व्यू आ गए, किसी पे हो सकता है 1000 व्यू आ जाए, किसी पे 5000 आ जाएंगे, किसी पे 10000 हो जाएंगे, तो ऐसे हमारे व्यू आते चले जाएंगे और हमारे 4000 घंटे ऐसे पूरे हो जाएंगे। बस आप क्वालिटी में सुधार करते जाइए, वीडियो में सुधार करते जाइए, आपका चैनल चल पड़ेगा, क्योंकि 4000 पूरे कहते हैं कठिन है, लेकिन ज़्यादा कठिन भी नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर करके बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, वंदे मातरम।